सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आ गया मैं आप लोगों के सामने पढ़ाने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि आप लोग जानते हो बच्चों, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक लेक्चर जीरो, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लो, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, आप लोग को बहुत अच्छे से पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर समझेगा। तो थोड़ा सा 5 मिनट में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज कर लेते हैं। उस वीडियो में, लेक्चर जीरो वाले वीडियो में, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी कर लिया है बच्चों, बराबर ना। जिन्होंने वीडियो देखा है उनको पता है। तो ये दोनों भी मैं थोड़ा रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से चालू करते हैं। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, फटाफट रिवाइज कर लो। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है सर? ऐसा नंबर जो ए प्लस आई बी फॉर्म में हो, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। ए प्लस आई बी या ए प्लस बी आई, दोनों चलेगा। ठीक है, ए प्लस बी है, जहां पे ये ए और बी, ये दोनों किसको बिलोंग करेंगे बच्चों? ये दोनों हमारा रियल नंबर को बिलोंग करेगा। इसका एग्जांपल बता दो, इसका एग्जांपल है 2 + 3i, या फिर -5 + 7i, या फिर ये देखो इतने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, बराबर। अब ये i है कौन, ये i है कौन, ये i है स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसका नाम क्या है? आयोटा। क्या बोलते हैं इस आई को? आयोटा। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फर्स्ट वाला देख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा ये बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ -16। 16 ये कैसे होगा? ये ऐसा होगा, 16 × -1 होगा। 16 का क्या हो जाएगा? 4, और -1 का क्या हो जाएगा बच्चों? आई हो जाएगा, राइट। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने ये अच्छे से डिटेल में किया हुआ है, तो जस्ट मैं एक ब्रीफ रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ -16, 4i हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4, और बिकॉज ऑफ माइनस वी विल गेट i, प्लस 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -25, क्या हो जाएगा? 25 का हो जाएगा 5, और माइनस का हो जाएगा i, प्लस 36 का 6, माइनस के वजह से i, माइनस के वजह से i। आई होप आप लोगों को यह समझा होगा। ये हो गया 4i + 15i + 6i - 25i। तो इनको आप ऐड करो, 4i + 15i 19i 19i + 6i 25i 25i - 25i 25i - 25i = 0i। बोलो चाहे 0 बोलो, बात एक ही है। इसी तरीके से सेकंड वाला आप लोग कर सकते हो, अगर पिछले लेक्चर में नहीं किए हो। अभी आ जाते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कैसा होता है बच्चों? अगर z दिया हुआ है a प्लस बी आई, अगर मुझे पहले से z की वैल्यू दी हुई है a प्लस बी आई, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z बार क्या होता है बच्चों? क्या होता है? a माइनस बी आई। कैसे आता है ये चीज? i वाले का कोएफिशिएंट जो रहेगा, मतलब i वाला जो रहेगा, उसका जो साइन है वो बदल देने का। अगर प्लस है तो माइनस कर देने का, माइनस है तो प्लस कर देने का, यही हमारा कंसेप्ट है। ठीक है ना बच्चों? चल उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए अगर मैं इनमें से कुछ क्वेश्चन कराऊं, जैसे फर्स्ट वाला, तो पहले उसको z बोल दूंगा, तो z का वैल्यू दिया है 3 + i, तो मुझे z बार क्या मिल जाएगा बच्चों? z बार मिल जाएगा 3 - i, राइट। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड वन करता हूं, तो लेट z इज इक्वल टू -√5 - √7i, तो मुझे z बार क्या मिल जाएगा? z बार मिल जाएगा -√5, ये बीच में माइनस है, बीच में मतलब i वाले का साइन है, तो उसको चेंज कर दूंगा प्लस में √7i। ठीक है बच्चों, देखो ये रिवीजन है, इसलिए हर एक क्वेश्चन नहीं करा रहा। क्वेश्चन नंबर 3 से हर एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे सो। अब इसी में अगर फोर्थ वाला देखें, फोर्थ वाला तो क्या आ जाएगा? लेट z इज इक्वल टू -√5, तो पहले इसको अच्छे से लिखो, ये क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू माइनस, ये 5 का रूट तो हमको नहीं पता है, तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये माइनस के वजह से i आ जाएगा। फिर आप लोगों को क्या बताया है मैंने? आप लोगों को मैंने ये बताया है कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं? i वाले का साइन चेंज कर देते हैं, मतलब उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा √5i। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड वाले का क्या आ जाएगा बच्चों?
थ्री प्लस आई, देन फिफ्थ वाले का क्या आ जाएगा माइनस फाइव आई, सिक्स वाले का क्या आ जाएगा रूट फाइव प्लस आई, समझ रहे हैं ना, आई का साइन चेंज करना है बस। सेवेंथ वाले का क्या आ जाएगा रूट टू माइनस रूट थ्री आई, और एट्थ वाला जो है एट्थ वाला उसको अगर मैं जेड बोलता हूं दैट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो बच्चों यहां पे जेड बार क्या आ जाएगा, जेड बार विल बी कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। बस हो गया अपना रिवीजन, पिछले लेक्चर में इन दोनों क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से टाइम दे दे के किया था, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा नए क्वेश्चन पे, दैट इज फाइंड ए एंड बी इफ, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, जहां पे हमारे पास सिक्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हमको क्या दिया हुआ है ए प्लस टू बी प्लस टू ए आई इज इक्वल टू फोर प्लस सिक्स आई। तो बच्चों कैसा है पता है, हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है ए प्लस बी है और दूसरा है थ्री माइनस फाइव है, दूसरा क्या है थ्री माइनस फाइव है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पता है कब इक्वल हो पाएगा बच्चों, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही कंडीशन पे इक्वल हो सकता है, जब जब आपका लेफ्ट वाले का रियल पार्ट राइट वाले के रियल पार्ट के इक्वल हो, मतलब पहला वाला बंदा और आई का कोएफिशिएंट आई के कोएफिशिएंट के इक्वल हो, जिसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इमेजिनरी पार्ट का मतलब सिर्फ बी होता है, बी आई नहीं, ठीक है बच्चों। क्या बोला मैंने, जब रियल पार्ट दोनों का इक्वल होगा और जब इमेजिनरी पार्ट दोनों का इक्वल होगा तो ही वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। यही लॉजिक अगर मैं इस क्वेश्चन में लगाऊं, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर थ्री है, तो क्या हो पाएगा जरा देखते हैं। लेफ्ट साइड में बहुत अच्छे से लिखा है, राइट साइड में अच्छे से लिखा है, अच्छे से लिखने का मतलब रियल एक साथ लिखा है, फिर इमेजिनरी, फिर रियल और फिर इमेजिनरी, मतलब मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं इसको, मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं क्या बच्चों, कर सकता हूं। चलो कंपेयर कर लिया, ऑन इक्वेटिंग बोलो चाहे कंपेयरिंग बोलो, चाहे ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोलो, सब चलेगा, मार्क्स उस लाइन के ऊपर नहीं, आगे जो करोगे उसके ऊपर। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं तो बिना आए वाला इधर कौन है सर, ए प्लस टू ए है, सॉरी ए प्लस टू बी है, तो लिख लो ए प्लस टू बी, यहां पे कौन है बच्चों, यहां पे फोर है, बराबर। तो ये हो गया, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर वन, एंड सर लेफ्ट में आएगा कोएफिशिएंट टू ए दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना आएगा कोएफिशिएंट टू ए, राइट में कौन दिख रहा है आएगा कोएफिशिएंट सिक्स दिख रहा है, तो वो दोनों भी तो इक्वल होगा, तो टू ए इज इक्वल टू सिक्स। अब ये टू ए इज इक्वल टू सिक्स मतलब क्या, ए का वैल्यू आ जाएगा थ्री, कैसे आया टू ए अगर सिक्स है तो ए आ जाएगा बच्चों सिक्स अपॉन टू, टू यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, वहां जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सिक्स अपॉन टू होता है थ्री, ठीक है। तो मुझे ए की वैल्यू मिल गई, क्या मुझे ए की वैल्यू मिल गई बच्चों। अब इसी ए की वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर वन में, पुट ए इज इक्वल टू कितना मिला है थ्री, पुट ए इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन नंबर वन। अगर इक्वेशन नंबर वन में मैं एक की जगह पे थ्री पुट करता हूं तो ये हो जाएगा आपका थ्री प्लस टू बी इज इक्वल टू फोर, तो टू बी क्या आ जाएगा, टू बी आ जाएगा फोर, थ्री उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, फोर माइनस थ्री कितना होता है, फोर माइनस थ्री होता है वन, इसका मतलब बी का वैल्यू मिल जाएगा वन अपॉन टू, बी टू यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड हो जाएगा, बराबर। तो मुझे मिला ये ए का वैल्यू, मुझे मिला ये ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, फिर से चाहिए रहेगा तो एक बार आप लोग देख सकते हो बच्चों क्या किया है। देखो लेफ्ट में आई का कोएफिशिएंट राइट में आई का कोएफिशिएंट इक्वेट कर दिया है, ठीक है, और लेफ्ट में लेफ्ट में आई का कोएफिशिएंट नहीं है, यहां पे देखो लेफ्ट में रियल पार्ट और राइट का रियल पार्ट इक्वेट किया है, ठीक है, सबसे पहला चीज आ गया, और आई का कोएफिशिएंट लेफ्ट में
और आई का कोएफिशिएंट राइट में उसको इक्वेट कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मुझे ए की वैल्यू 3 मिल गई। इसी ए की वैल्यू को अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। आई होप सभी लोगों को ये समझा होगा। ठीक है, रियल पार्ट वाले से और इमेजिनरी पार्ट वाले से इक्वेट करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वाला। ये मेरा क्वेश्चन है, यहां पे भी आप डायरेक्टली देखोगे तो लेफ्ट में रियल और इमेजिनरी अलग से लिखा है और राइट में भी रियल और इमेजिनरी अलग से लिखा है, तो बस कर दो इसी को। अगर मैंने लिख दिया ऑन इक्वेटिंग क्या आ जाएगा मेरा, लेफ्ट में रियल पार्ट कौन है, विदाउट आई वाला ए माइनस बी। राइट में कौन है, सर ए है, राइट में ए है। एंड लेफ्ट में आई का कोएफिशिएंट कौन है, लेफ्ट में आई का कोएफिशिएंट ए प्लस बी है। राइट में कौन है, 5 है, राइट। तो यहां पे अगर आप अच्छे से देखोगे बच्चों, ए और ए दोनों सेम है क्या, हमको पता है कि इक्वल के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अगर दोनों सेम होता है तो वो कैंसल आउट होता है, वो कैंसल हो जाता है, ये अपना ए और ए कैंसल हो जाएगा बच्चों, बराबर। अगर ये दोनों कैंसल हो गया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको एज इट इज कॉपी करो, या तो पढ़े रन दो उसको, बोल दो इक्वेशन नंबर 1। इस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 को बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मुझे यहां पे बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर माइनस बी 0 है तो माइनस 1 को राइट साइड लेके जाऊंगा, 0/-1 0 होगा, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बी का वैल्यू मिल गया 0। अब क्या करना है, इसी बी के वैल्यू को 0 यहां पुट कर दोगे तो ए प्लस 0 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। उसी चीज को मैं लिख के दिखा देता हूं, पुट बी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो मेरा इक्वेशन नंबर 1 है ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, इंस्टेड ऑफ बी आई शुड राइट 0, राइट, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ ए क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे को बी भी मिल गया और मुझे क्या मिल गया बच्चों, मुझे साथ ही साथ ए भी मिल गया, बी का वैल्यू 0 और ए का वैल्यू 5। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। क्या बोला है क्वेश्चन में, यहां पे देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है हमारे पास ए प्लस बी इंटू 2+i दिस इज इक्वल टू बी प्लस 1 इंटू 10+2a इंटू आई। अब राइट साइड में अगर मैं देखता हूं बच्चों, राइट साइड में तो ये बिना आई वाला है, मतलब रियल पार्ट है, और ये आई के साथ वाला है इमेजिनरी पार्ट। ये तो अलग अलग लिखा है ए प्लस बी आई फॉर्म में, लेकिन लेफ्ट में देखो अच्छे से लिखा है क्या, लेफ्ट वाला अच्छा बंदा नहीं है। क्यों अच्छा बंदा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, तो उसको पहले अच्छे से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे अच्छे से देखते हैं, पहले लेफ्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दो। देखो दो तरीका है, एक तरीका ये है, आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी, फिर आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा प्लस आई इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ऐसा डायरेक्टली कर सकते हो आप। मैंने क्या किया, इन जनरल हम लोग लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए इंटू ब्रैकेट फिर बी इंटू ब्रैकेट। ठीक है, उससे बेहतर यहां पे ये रहेगा। लेकिन सर हमको कैसे पता चलेगा कि ऐसा करना है, बराबर ना, तो इसीलिए मैं ये वाला जो अभी बताया वो नहीं करा रहा, हमको नहीं पता चलेगा। हम क्या करते हैं, एक एक को मल्टीप्लाई करते हैं, ए को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो क्या मिल जाएगा, ए इंटू 2 2a, फिर ए इंटू आई प्लस बी इंटू 2 बी एंड बी इंटू आई। अंडरस्टूड, तो ये लेफ्ट साइड में हुआ, राइट साइड में जैसा लिखा उसको एज इट इज कॉपी करो, बी प्लस 1 प्लस 10+2a इंटू आई, बराबर। अब चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ने से मेरा मतलब बिना आई वाला ढूंढो, बिना आई वाला, एक इधर है और एक इधर है, इसका नाम 2a, इसका नाम 2b, तो 2a प्लस 2b को एक साथ लिख देते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2b बराबर, यहां से i कॉमन ले लिया अगर मैंने तो मुझे मिल जाएगा a प्लस बी इंटू आई। राइट साइड में जो है उसको आग बंद करके लिखो, क्या है, b प्लस 1
प्लस 10 प्लस 2a इंटू आई, अंडरस्टूड। अभी क्या करेंगे हम लोग, बिना आई वाला दैट इज रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर देंगे, मतलब ऑन इक्वेटिंग। अगर इक्वेट करता हूं मैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू बी प्लस 1। सो देखो अच्छा क्या हो गया हमारा, 2a प्लस 2b प्लस a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस ये, ऐसा लिखा है ना। तो इसके बाद क्या होगा एग्जैक्टली, हमारा जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट वाले के साथ इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट मतलब a प्लस b ये इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल होगा। तो मैंने जो बोला उसी को लिख के बता देता हूँ, क्या हो जाएगा देखो, ऑन इक्वेटिंग। अगर मैं इक्वेट करता हूँ बच्चों तो क्या हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2a प्लस 2b, मतलब लेफ्ट का रियल पार्ट राइट का रियल पार्ट विच इज b प्लस 1 एंड लेफ्ट का इमेजिनरी पार्ट कौन है वो a प्लस b और राइट का इमेजिनरी पार्ट कौन है 10 प्लस 2a। ठीक है, इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 2a प्लस b इज इक्वल टू 1। क्या किया मैंने एग्जैक्टली, इस b को अगर मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो 2b माइनस b क्या बचेगा मेरे पास, b बचेगा और राइट साइड में 1 तो ऑलरेडी है, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। एंड यहां पे क्या हो जाएगा, अगर मैं 2a को लेफ्ट में लेके आता हूं तो ये 2a जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस 2a होगा, a माइनस 2a आ जाएगा माइनस a राइट प्लस b दिस इज इक्वल टू 10। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है, ये पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो, कंसीडर दोनों इक्वेशन को कंसीडर करो। क्या है अपना इक्वेशन, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है बच्चों, माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 10। अब बस इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, ऐड करोगे कि सबट्रैक्ट करोगे, सब डिपेंड करेगा ये a का कोएफिशिएंट सेम है कि b का, किसका कोएफिशिएंट सेम है, b का सर सेम है। क्या है दोनों का, इसका 1 और इसका भी 1, दोनों का कोएफिशिएंट क्या है 1 1। तो मुझे क्या करने की जरूरत पड़ेगी, आई थिंक सबट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, साइन सेम है ना, दोनों का साइन सेम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबट्रैक्ट का मतलब साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a प्लस a ये हो गया 3a, आपका आई थिंक b और b कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों b कैंसिल हो जाएगा, मुझे कलर चेंज कर देना तो चाहिए, तो ये b और ये b आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और 1 माइनस 10 बोला है तो 1 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, 3 जाएगा माइनस 9 के अपॉन में, तो मुझे a मिल जाएगा, मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, a की वैल्यू माइनस 9 अपॉन 3, मतलब a मिल गया आपको माइनस 3, a की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से अब b निकालना है, अब क्या करोगे वापस, या तो इसी तरीके से एकदम फॉलो या फिर इसी a को उठा के यहां या यहां रख दो, आपकी मर्जी। तो मैं इस a की वैल्यू को पुट कर देता हूं, पुट a इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इस a की वैल्यू माइनस 3 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं तो हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू नहीं पता, वही तो निकालना है, इज इक्वल टू कितना है बच्चों 10 है, माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस बी इज इक्वल टू 10, तो मुझे b का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों 7, कैसे आया 10 माइनस 3 करके आया, समझा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन, ए बी इंटू आई इज इक्वल टू 3a माइनस बी प्लस 12i। थोड़ा अच्छे से देखना, ए बी इंटू आई इज इक्वल टू 3a माइनस बी प्लस 12i। अब बोलोगे सर किए क्या, कॉपी तो किए, ठीक है अच्छी बात है, इसको ब्रैकेट डाल देता हूं। क्यों ब्रैकेट डाल रहा हूं, क्योंकि ये एक रियल पार्ट है इसलिए अलग से कंपेयर करते समय अच्छा होगा। ठीक है
अगर मैं इसको कंपेयर किया बच्चों, मतलब इक्वेट किया, तो क्या आ जाएगा? हाँ बच्चों, अगर मैं इसको इक्वेट किया तो क्या आएगा बोलो? रियल पार्ट यहां पे 3a-b और लेफ्ट में रियल पार्ट कौन है? लेफ्ट में रियल पार्ट कोई नहीं है सर, कोई नहीं मतलब कौन है? जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू 3a-b बराबर। एंड लेफ्ट में इमेजिनरी पार्ट कौन है? आएगा कोएफिशिएंट ए बी है क्या? ए बी है। राइट में कौन है? 12 है। ठीक है, तो यहां से ये मिल गया 3a-b इज इक्वल टू जीरो, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। एंड यहां पे b क्या आ जाएगा? 12/a, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब इसी वैल्यू को अगर मैं पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब जो b की वैल्यू है बच्चों उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं, तो देखो क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा? 3a-12/a इज इक्वल टू जीरो। कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 3a into a हो जाएगा 3a का स्क्वायर बराबर। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा -12/a इज इक्वल टू जीरो, या अपॉन a वाला जाएगा राइट साइड में जीरो के पास, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3a² -12 इज इक्वल टू जीरो। राइट, समझ में आ रहा है? -12 को राइट साइड भेज दो, मुझे मिल जाएगा 3a² इज इक्वल टू 12। 3 के अपॉन में a² कितना? a² कितना बच्चों? a² की वैल्यू मिली 4। अब a² अगर 4 है तो हमको तो पता है a क्या आएगा, +-2। a मिल गया, अब इसी a को चुपचाप पुट कर दो यहां पे, बराबर क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ b। राइट, इसको मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो व्हेन a इज इक्वल टू +2 b विल बी 12/2 विच इज 6, एंड व्हेन a इज इक्वल टू -2 b विल बी 12/-2 विच इज -6। हो गया अपना आंसर, कितना सिंपल है, मजा आ रहा ना बच्चों? सब समझा? समझाए तो एक वीडियो को लाइक जरूर बनता है। ठीक है, देख लो क्या किया एग्जैक्टली, आई का कोएफिशिएंट आई के कोएफिशिएंट से इक्वेट किया। अब लेफ्ट में मेरे पास आई है ही नहीं, सॉरी रियल पार्ट है ही नहीं, तो अगर रियल पार्ट नहीं है तो ये कौन होगा? जीरो प्लस होगा ना, इसलिए यहाँ पे जीरो से इक्वेट किया है और बाद में दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया है। ठीक है, और क्वेश्चन है इसमें वो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है, 1/a+ib इज इक्वल टू 3-2i, ध्यान से देखना बच्चों। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं, मतलब मेरे डिनोमिनेटर में अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, तो लास्ट लेक्चर में कंसेप्ट सिखाया है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं बराबर। लेकिन यहां पे ए और बी है, तो इसको करने से बेहतर है क्वेश्चन को पहले अच्छा बनाओ और उसके बाद करो। अच्छा बनाने का मतलब इसी को रेसिप्रोकेट कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा उल्टा मतलब ये नीचे वाले भाई साहब चले जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर वाले भाई साहब आ जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे। क्या बोला, समझा क्या? ये डिनोमिनेटर चला जाएगा ऊपर और न्यूमरेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड क्या होगा? अब बोलोगे सर ये तो चलो फर्स्ट फ्लोर पे ऑलरेडी है, ग्राउंड फ्लोर पे कोई नहीं दिख रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे कोई तो रहेगा ना, तभी वो है ऊपर, अपॉन में 1 रहता है, तो 1 चला जाएगा ऊपर, 1 चला जाएगा ऊपर, अपॉन में आ जाएगा 3-3-2i। अब लेफ्ट का तो टेंशन नहीं है, लेफ्ट का टेंशन नहीं है, a+ib, बस इसको सिंप्लीफाई करो और आपका आंसर खत्म। कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई? क्या बोला मैंने, अगर डिनोमिनेटर में मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों? उसको सॉल्व करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब मुझे 3+2i से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों a+ib
दिस इज इक्वल टू, अगर न्यूमरेटर में मैं देखूं तो ये है 3 + 2i, और अगर डिनोमिनेटर में देखूं तो a - b a + b, a - b a + b, मुझे लगता है सभी लोगों को फॉर्मूला पता है क्या होता है फॉर्मूला, a - b * a + b क्या होता है बच्चों, a² - b² बराबर, क्या होता है मेरा पास, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, a² - b² ठीक है। इसका मतलब यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3² - 2i² ठीक है। लेफ्ट साइड पढ़े ना तो वैसी, राइट साइड में देखो ये हो जाएगा 3 + 2i, और डिनोमिनेटर में 3² - 9 माइनस 2² कितना 4, और i का स्क्वायर आ जाएगा i². पिछला लेक्चर 0 में हमने पढ़ा है क्या कि i का वैल्यू अगर बच्चों i की वैल्यू होती है रूट में -1, तो i² क्या आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो राइट साइड का स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, बचेगा -1। i³ क्या होता है, i³ होता है i² * i, i² का वैल्यू -1, तो i² का वैल्यू -1 इंटू आई, ये हो जाएगा -i, और i⁴ मतलब क्या, i² का स्क्वायर जो हो जाएगा -1 का स्क्वायर जो हो जाएगा +1 बराबर। तो वही चीज अपने को यहां पे देखनी है, क्या करना है देखो, ये हो जाएगा 3 + 2i / 9 -4 - -1, कैसे आया सर, अभी तो आपने बताया कि i² का मतलब क्या होता है, -1 होता है, तो i² के पे -1 डाला, माइनस का माइनस कौन, प्लस, 9 + 4 कितना 13, मतलब ये हो जाएगा 3 + 2i और अपॉन में क्या, या फिर उधर लिखता हूं मैं, हाँ लेफ्ट साइड में a + ib भी है ना, तो ये हो जाएगा therefore a + ib इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में 13 है ध्यान देना, ये हो जाएगा 3 + 2i और अपॉन में कितना 13, वो तो डिनोमिनेटर में 13 है उसको सेपरेट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा a + ib इज इक्वल टू 3/13 + 2/13 * i बराबर, क्या किया डिनोमिनेटर को सेपरेट किया। आप डायरेक्टली कंपेयर करो बच्चों, यहां पे एकदम इजीली कंपेयर हो जाएगा ऑन इक्वेटिंग, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 3/13 आ जाएगी क्या, एंड बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/13। सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है चलो आगे आगे बढ़ते हम लोग, अगला देखते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन, a + ib * 1 + i, दिस इज इक्वल टू 2 + i, क्या है मेरा क्वेश्चन, a + ib। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो बच्चों अब तक इतना क्वेश्चन कर दिए कि ये क्वेश्चन करने के लायक हो चुके हो बराबर, वीडियो पॉज करो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, बाद में क्रॉस चेक करो मेरे सॉल्यूशन से, ठीक है। अब ए को पकड़ो, कर दो अंदर मल्टीप्लाई, ए को पकड़ो अंदर मल्टीप्लाई, तो a * 1 + i प्लस ib को पकड़ो, कर दो अंदर मल्टीप्लाई 1 + i, राइट साइड में जो बैठा है उसको एज इट इज कॉपी करो, ठीक है। इस a को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा a + ai, ib को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ib + ib * i, i² b, दिस इज इक्वल टू 2 + i, आई होप सबको समझा रहेगा, a * 1 a a * i a i, ib * 1 ib ib * i, i² b, 2 + i एज इट इज, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों a + ai + ib को मैं bi लिखूंगा तो भी चल जाएगा, i² मतलब -1 ना, तो -1 * b कितना हो जाएगा बच्चों, -1 * b विल बिकम -b, दिस इज इक्वल टू 2 + i, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ने से मेरा मतलब है कि लेफ्ट में ऐसे लोगों को ढूंढो जिनके पास i नहीं है, तो ये a चिल्लाएगा देखो मेरे को, -b भी चिल्लाएगा मुझे भी देख लो हमारे पास आए नहीं है, तो ठीक है हमने दोनों को देख लिया तो दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेता हूं बराबर। अब ढूंढेंगे आए वाले को, अब कौन चिल्लाएगा हमको देखो,
ये दोनों चिल्लाएंगे क्या भाई? देख हमारे पास, देख देख लिया हम लोगों ने, ठीक है? तो जब देख लिया हम लोगों ने तो आई को ले लेंगे कॉमन, बचेगा ए प्लस बी इंटू आई, इसमें से आई कॉमन ले लिए तो ये बचा, ठीक है? राइट साइड बोलता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत अच्छा क्यों हूँ? क्योंकि मैं एक रियल नंबर पार्ट लिखा हूँ और उसके बाद में इमेजिनरी पार्ट के साथ आई लिखा हूँ। बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है? चुपचाप बैठा हुआ है तब से। अब कंपेयर कर लो, ऑन इक्वेटिंग, अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं बच्चों तो मुझे a माइनस बी की वैल्यू मिलेगी 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, एंड मुझे a प्लस बी की वैल्यू क्या मिलेगी? a प्लस बी की वैल्यू मिलेगी 1। कैसे? रियल पार्ट वाला रियल पार्ट के इक्वल हो गया एंड इमेजिनरी पार्ट वाला इमेजिनरी पार्ट, यहां पे कोई नहीं आएगा कोएफिशिएंट, मतलब 1 है, ठीक है? तो ये हो गया मेरा। अब इसको सॉल्व करना है, चुपचाप क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर आप ऐड करते हो, अगर आप ऐड करते हो बच्चों तो आई थिंक माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? अगर कैंसिल हो गया तो ए प्लस ए हो जाएगा 2a, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। ए प्लस ए 2a और 2 प्लस 1 3, तो 2a इज इक्वल टू 3। इसका मतलब होता है कि a की वैल्यू है 3/2, बराबर बच्चों? a की वैल्यू क्या है? 3/2। अब यही a को पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में, जहां मन करेगा वहां पुट करो। सेकंड में प्लस b है इसलिए मैं सेकंड के लिए जा रहा हूं, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। इसी a को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो मेरा इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगा बच्चों? मेरा इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा 3/2 प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब 3/2 को लेके जाऊंगा राइट साइड, तो b मिल जाएगा 1 माइनस 3/2, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 3 होल अपॉन 2, दैट इज b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है? आई होप बच्चों सभी लोगों को समझा ये चीज, ठीक है? चलो आगे बढ़े। ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 3 किया, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। कितने क्वेश्चन है बच्चों? कितने क्वेश्चन है टोटल? देखो 11 क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस माइनस करना, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, अपॉन में आए, अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर, या बहुत सारे लोग, या पावर ऑफ आई, ऐसा सब कुछ इसमें समझेगा ये क्वेश्चन। अगर समझा बहुत अच्छे से, एकदम समझने की कोशिश करो, ठीक है? इजी है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है, बहुत इजी है। इसको समझेंगे हम लोग अगर बच्चों, तो आगे का पूरा एक्सरसाइज ये 1.1 बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर पेज पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान दो। फर्स्ट वन क्या बोला है क्वेश्चन में, कि एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। मतलब हमको क्या करना है, हमको बच्चों इसको सिंप्लीफाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक फॉर्म है ए प्लस आई बी वैसा बनाना है, ठीक है? और उसके बाद जब बन जाएगा तो वहां पे ए और बी की वैल्यू क्या आई है वो बतानी है, ठीक है? जैसे मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 2 आए इंटू माइनस 2 प्लस आए, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? 1 प्लस 2 आए इंटू माइनस 2 प्लस आए, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करो, बस बात खत्म होएगा। देखो 1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा? 1 इंटू माइनस 2 आएगा, 1 इंटू आई क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। 2y इंटू माइनस 2 क्या आएगा? 2 इंटू 2 4 आई है। 2y इंटू आई क्या आ जाएगा? 2i का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर? तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस आई माइनस 4i। बच्चों आई स्क्वायर क्या होता है? आई स्क्वायर माइनस 1 होता है। अगर आई स्क्वायर माइनस 1 है तो ये हो जाएगा आई थिंक माइनस 2, बराबर? आप प्लस 2 इंटू माइनस 1 करो माइनस 2 आएगा, या फिर डायरेक्टली माइनस 2 करो, कोई मार्क्स कट नहीं करेगा। माइनस टू इंटू माइनस टू इज माइनस 4, और आई माइनस 4 आए ये हो जाएगा माइनस 3 आए, बराबर?
क्या किया मैंने, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। आप सिंप्लीफाई होने के बाद मैं यहां पे लिख देता हूं विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, बराबर। तो ए प्लस आई बी फॉर्म में तो ए के जगह पे कौन दिख रहा है, ए के जगह पे माइनस फोर दिख रहा है, एंड बच्चों बी के जगह पे कौन दिख रहा है, बी के जगह पे माइनस थ्री दिख रहा है। अंडरस्टूड, सिंपल क्वेश्चन ना एकदम। चलो अगला क्वेश्चन करें, समझ में आया ना सबको। वन को मल्टीप्लाई किया, टू आई को अंदर मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, आई स्क्वायर के पे माइनस वन रखा, बस और कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। सर ये तो थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है, क्यों डिफिकल्ट दिख रहा है सर, जरा ध्यान से देखो ना, पावर में माइनस वन है, ठीक है ना, पावर में माइनस वन सीखा है हम लोगों ने, सीखा है क्या पावर में माइनस वन को प्लस वन बनाना, या तो पावर में नेगेटिव रहेगा तो प्लस बनाना, कैसे सीखा है हम लोगों ने। सर सीखा है कि वन अपॉन ए रेस टू एम जो होता है ना, वन अपॉन ए रेस टू एम, अगर मेरे को इसको ऊपर लेके जाने का मन है तो पावर आ जाता है नेगेटिव, हम लोगों ने ये चीज सीखा है। अगर ऐसा होता है बच्चों तो पावर में नेगेटिव है उसको अगर मैं डिनोमिनेटर में भेज दूं तो हो जाएगा क्या पॉजिटिव, हाँ सर हो जाएगा, बस इसी चीज का यूज करना इधर, मतलब ये हो जाएगा वन प्लस आई एज इट इज, ये है पावर में माइनस वन, नीचे आ जाएगा ब्रैकेट, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा ब्रैकेट, वो हो जाएगा पावर में प्लस वन। अब पावर में प्लस वन लिखूं या नहीं लिखूं, मीनिंग तो होता नहीं है, दोनों का मतलब सेम है तो मैं नहीं लिखता हूं, ठीक है। इतना समझ गया क्वेश्चन, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो कैसे सॉल्व करते हैं, उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, मतलब ये हो जाएगा वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कौन, वन प्लस आई से मल्टीप्लाई करो और साथ ही साथ डिवाइड भी करो, क्योंकि मैथ्स बोलता है कि खाली मल्टीप्लाई करके काम ना चलेगा बच्चा, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा तभी तो बैलेंस होगा। चलो न्यूमरेटर देखो बच्चों, न्यूमरेटर कौन है, वन प्लस आई दो बार आ गया, क्या दो बार आ गया, मतलब वन प्लस आई का होल स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मैं डिनोमिनेटर को देखता हूं बच्चों तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर होता है वन, माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बराबर ना, वन का स्क्वायर वन प्लस टू ए बी, टू इंटू वन इंटू आई, ये हो जाएगा टू आई प्लस आई का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में वन माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब कितना, आई स्क्वायर मतलब माइनस वन, ठीक है। तो इतना समझा, अब आई स्क्वायर यहां पे न्यूमरेटर में भी है मेरे पास, उसके जगह पे भी माइनस वन लिख देता हूं, अगर मैं माइनस वन लिख देता हूं बच्चों तो क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा वन प्लस टू आई, आई स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखूंगा, माइनस वन और अपॉन में वन प्लस वन। मुझे लगता है जो न्यूमरेटर में प्लस वन और माइनस वन है क्या वो लोग कैंसिल हो जाएंगे, हाँ सर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि बचपन से सीखते आ रहे हैं हम लोग प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं अगर सेम वैल्यू है तो, राइट। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में, हो जाएगा टू आई और डिनोमिनेटर में वन प्लस वन, वन प्लस वन कितना टू, बराबर। तो टू आई अपॉन टू, बचपन से ये भी तो सीखते आ रहे हैं, क्या सीखते आ रहे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी अगर सेम चीज है मल्टीप्लीकेशन डिविजन के तौर पे तो वो दोनों भी कैंसिल हो जाता है, बराबर। कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया, आई हो गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखने का, बराबर। तो इसको ए प्लस आई बी फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, कैसे दिखाएंगे, आई को लिख सकते हैं
जीरो प्लस आई, आई को हम लोग लिख सकते हैं जीरो प्लस आई। अगर जीरो प्लस आई लिख दिया बच्चों, तो यहां पे ए की वैल्यू क्या है सर? जीरो है। एंड बी की वैल्यू क्या है सर? वन है। बराबर, कैसे? जीरो आई के साथ वाला वन, तो बी की वैल्यू वन। समझ गया बच्चों, मजा आ रहा है? सॉल्व कर लो क्या आगे खुद से क्वेश्चन करना रहेगा तो? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये हमारा क्वेश्चन क्या दिया क्वेश्चन में, क्या दिया क्वेश्चन में? आई इंटू फोर प्लस थ्री आए और अपॉन में वन माइनस आए, ये क्वेश्चन दिया। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे सर? सर वो जो न्यूमरेटर में दो लोग दिख रहे हैं ना, चलो अपन उसको मल्टीप्लाई करते। अगर अपन लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट होने का उम्मीद है। सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर, अपना तो मजा हो जाएगा। बराबर, इसका मतलब अगर मैं आई को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं आई को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा फोर आई। फिर से आई को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा थ्री आई का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? वन माइनस आई। न्यूमरेटर में देखूं कहीं मेरे को आई स्क्वायर दिख रहा है क्या? हाँ सर, देखो इधर दिखा आपने को। आई स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन होता है क्या? मतलब न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर हो जाएगा फोर आई माइनस थ्री, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बच्चों? वन माइनस आई। सर ये तो आप रहने तो सॉल्व करने को, हम लोग खुद से कर लेंगे। अगर ऐसा कॉन्फिडेंस है बच्चों, अगर ऐसा कॉन्फिडेंस है तो खुद से सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। आंसर आया तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका, ठीक है? मेरा काम है हर एक क्वेश्चन करा के देना, लेकिन आपका काम हर एक क्वेश्चन बोर्ड से करना जरूरी नहीं है। दो तीन क्वेश्चन करो जहां पे आपको लगता है खुद से कर सकते हो। बच्चों याद रखना, वीडियो पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, तो मैं करूंगा। बराबर, खुद से करूंगा और आपके आंसर से मैच करूंगा। अगर मेरा आंसर करेक्ट आया ना बच्चों, आप लोगों का, अगर आप लोगों का आंसर करेक्ट आया तो कॉन्फिडेंस लेवल खुद का देखना बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है? कभी भी याद रखना, पूरा का पूरा आंसर मत देखते चलो, कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते वो समझो, उसके बाद वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, ठीक है बच्चों? और अगर ऐसा होता है, करेक्ट आंसर मिलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों अगर आपका, मेरे वजह से, मेरे पढ़ाने की वजह से, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपना प्यार बता सकते हो। हाँ सर, बढ़ाए करके कॉन्फिडेंस, ठीक है? चलो ये देखो, ये क्या आ जाएगा मेरा? ये हो जाएगा फोर आई माइनस थ्री, और डिनोमिनेटर में वन माइनस आई। कैसे सॉल्व होगा सर? अभी तो आपने बताया था, क्या बताया था सर ने? भूल गया मैं तो, क्या बताया था बच्चों? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। क्या है कॉन्जुगेट इसका? वन माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या है सर? वन प्लस आई है, वन प्लस आई है। मल्टीप्लाई भी किया ऊपर और डिनोमिनेटर में भी किया, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। अगर डिनोमिनेटर को देखो बच्चों, कौन दिख रहा है सर? ए माइनस बी, ए प्लस बी दिख रहा है। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर फोर आई इंटू वन, ये हो जाएगा फोर आई, फोर आई इंटू वन हो जाएगा फोर आई, 4i into i हो जाएगा 4i का स्क्वायर, माइनस 3 into 1 हो जाएगा माइनस 3, और माइनस 3 into i हो जाएगा माइनस 3i। क्या हो जाएगा? माइनस 3i। बराबर बच्चों, बस अभी करो जितना हो सकता है उतना करो। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4i, i स्क्वायर का मतलब माइनस 1, माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर, फिर माइनस थ्री, फिर माइनस थ्री आई अपॉन वन माइनस आई स्क्वायर। कौन है? आई स्क्वायर है माइनस वन, आई स्क्वायर है माइनस वन, तो माइनस ऑफ माइनस वन ऐसा आ जाएगा। समझा? चलो क्या आ जाएगा ये, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये? ये हो जाएगा आपका फोर आई। अच्छा सॉल्व कर सकते हैं ना अपन, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहले रियल वाला लिखो, कौन कौन है देखो, माइनस फोर माइनस थ्री, ध्यान से देखो, माइनस फोर और माइनस थ्री क्या हो जाएगा? ये माइनस सेवन हो जाएगा सर।
क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा ये माइनस सेवन हो जाएगा, ये दोनों मिलके माइनस सेवन ना, और 4i माइनस 3i क्या हो जाएगा सर, 4i माइनस 3i i हो जाएगा, 4i माइनस 3i i हो जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा, बराबर। अगर ऐसा हो गया बच्चों तो इसको सेपरेट कर दो, ये हो जाएगा माइनस 7 अपॉन 2 और ये हो जाएगा i अपॉन 2, a प्लस bi फॉर्म में कन्वर्ट करना था ना, इसका मतलब मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 7 बाय 2 एंड साथ ही साथ b की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 1 अपॉन 2। मजेदार क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है आगे बढ़े बच्चों, चलो आगे देखते हैं या फिर दोबारा बताना है क्या क्या किया है, कंसेप्ट क्या क्या किया है। देखो आई को अंदर मल्टीप्लाई किया, आई स्क्वायर के जगह पे माइनस वन रखा, इतना होने के बाद डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और आगे सिंप्लीफाई करके ए की वैल्यू और बी की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल दिया, ठीक है। चल अब यहां पे सर पिछले क्वेश्चन में न्यूमरेटर में दो लोग मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने बहुत अच्छे से उनसे निपटा, और इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में हो रहे इनसे भी निपट लेंगे। सर आप एक काम करो, सर क्या काम करेंगे सर, सर हम वीडियो पॉज करते और खुद से सॉल्व करते, करो बच्चों खुद से सॉल्व, ठीक है, उसके बाद आओ और मेरे आंसर से मैच करो अपना आंसर। सबसे पहला काम क्या, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, उसके बाद बताता हूं कि क्या करना है। ये हो जाएगा आपका 2 प्लस आई, थ्री माइनस आई इंटू वन प्लस टू आई, कर दो मल्टीप्लाई, थ्री इंटू वन थ्री, थ्री इंटू टू आई सिक्स आई, माइनस आई इंटू वन, माइनस आई इंटू वन माइनस आई, और माइनस आई इंटू टू आई माइनस टू आई का स्क्वायर। क्या क्या किया देखो, थ्री इंटू वन थ्री, थ्री इंटू टू आई सिक्स आई, माइनस आई इंटू वन माइनस आई, माइनस आई इंटू टू आई माइनस टू इंटू आई का स्क्वायर, बराबर। ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टू प्लस आई, और डिनोमिनेटर में ये हो गया थ्री, ये देखो ये देखो ये दोनों, ये दोनों एक जैसे है ना भाई भाई, बराबर। सिक्स आई माइनस आई क्या हो जाएगा, सिक्स आई माइनस आई, सिक्स आई माइनस आई हो जाएगा फाइव आई, देन माइनस टू इंटू ये आई स्क्वायर, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब क्या, आई स्क्वायर मतलब माइनस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों टू प्लस आई, ये हो गया थ्री प्लस फाइव आई, माइनस का माइनस प्लस टू, थ्री प्लस टू कितना बच्चों फाइव, तो ये हो गया टू प्लस आई अपॉन फाइव प्लस फाइव आई। देखो बड़ा सिंपल आ गया ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और अपॉन में एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सर, अभी तो बताया था आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अगर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बच्चों तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा टू प्लस आई अपॉन फाइव प्लस फाइव आई इंटू किससे, फाइव माइनस फाइव आई से। कुछ लोग डिनोमिनेटर में फाइव कॉमन लेके फिर सॉल्व करते हैं या कराते हैं टीचर्स भी, मेरे को नहीं लगता कि जरूरत है कुछ कॉमन वगैरह लेने के लिए, जैसा है सामने सॉल्व करो। मतलब क्यों मैं इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दूं, क्यों कॉमन लो, नहीं लेने का मैंने, जैसे हर क्वेश्चन कर रहे थे वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में कौन है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर, बराबर। न्यूमरेटर में देखो, टू इंटू फाइव टेन, टू इंटू माइनस फाइव आई टेन आई, आई इंटू फाइव फाइव आई, आई इंटू माइनस फाइव आई माइनस फाइव आई का स्क्वायर, टू इंटू फाइव टेन, टू इंटू माइनस फाइव आई माइनस टेन आई, आई इंटू फाइव प्लस फाइव आई, और आई इंटू माइनस फाइव आई माइनस फाइव आई का स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10 माइनस टेन आई प्लस फाइव आई, कितना हो जाएगा माइनस फाइव आई
बराबर ना, माइनस 10i प्लस 5i, माइनस 5i, माइनस 5, आई स्क्वायर मतलब माइनस 1, आई स्क्वायर का मतलब माइनस 1, 5 का स्क्वायर सर 25, माइनस 5 का स्क्वायर सर 25, आई का भी तो स्क्वायर होगा यहां पे, ये क्या होगा एग्जैक्टली, 5 आई का होल स्क्वायर मतलब क्या, 5 का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर भी ना, तो 5 का स्क्वायर 25 और इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब क्या बच्चों, माइनस 1, आई स्क्वायर मतलब क्या बच्चों, माइनस 1, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा 10 माइनस 5 आई, माइनस का माइनस प्लस 5, अपॉन 25 प्लस 25, 10 प्लस 5 कितना 15, 10 प्लस 5 कितना 15, माइनस 5 आई अपॉन 25 प्लस 25 50, डिनोमिनेटर को कर दो सेपरेट, मतलब ये तो 50 है, इसको भेज दो 15 के अपॉन में, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 50 और माइनस 5 आई अपॉन 50। अब सर, सर रुको मत, इसको सॉल्व करो, और होगा कैसे होगा सर, 5 से डिवाइड करके देखो क्या आएगा, न्यूमरेटर 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, न्यूमरेटर 1 इंटू आई मतलब आई हो जाएगा और डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा, बराबर। अगर ऐसा लिख दिए सर, और क्या लिखोगे सर, ए की वैल्यू लिखो क्या है 3 अपॉन 10, सर बी की वैल्यू लिखो क्या है, क्या है बच्चों बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है, आई का कोएफिशिएंट दैट इज माइनस 1 अपॉन 10, ए मिल गया बी मिल गया, हो गया सॉल्व, ठीक है। क्या किए, सबसे पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एक अच्छे बच्चे के तौर पे लेके आए। अब अच्छा बच्चा कैसे सॉल्व होता है, अच्छा बच्चा कैसे सॉल्व होता है, इसी के कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करके मस्त से सॉल्व करेंगे और ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लिखेंगे। समझ गया बच्चे लोग, समझाना, चलो आगे बढ़े, अपना फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। अरे बाबा क्या आ गया, क्या आ गया, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर आ गया और अपॉन में क्या है 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। सर डरो मत, क्वेश्चन इजी है, कैसे इजी है बच्चों बताओ जरा, कैसे इजी है, होल स्क्वायर अप्लाई कर दूं, होल स्क्वायर अप्लाई कर दूं, होल स्क्वायर अगर मैं अप्लाई करता हूं दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, अगर न्यूमरेटर को अप्लाई करता हूं, अगर न्यूमरेटर को अप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा सर, ए स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है सर, उसके बाद में 2ab आएगा, 2 इंटू 1 इंटू आई, 2i आएगा सर, उसके बाद में बी स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर डिनोमिनेटर में खाली वही चीज तो है, खाली बीच में माइनस है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। सर हमको आई स्क्वायर पता है माइनस 1 होता है, रख दो ना बच्चों, पता है तो रख दो, क्यों सर मार रहे हो, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा माइनस 1, ये प्लस 1 इस माइनस 1 के साथ चला जाएगा पता नहीं कहां घूमने, ये प्लस 1 बोलता है भाई मेरे पास भी देख, मेरे भी जोड़ी में है, बराबर इसकी भी जोड़ी, मतलब ये इसके साथ है और ये इसके साथ चले जाएंगे घूमने, समझ गए बच्चों, कहां जाएंगे, जब घूम के आएंगे तब पता चलेगा कहां गए दोनों, कहां गए थे, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये दोनों कैंसल हो गया, कलर देख के समझ जाना, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, बचा क्या, न्यूमरेटर में बचा 2i और डिनोमिनेटर में बचा माइनस 2i, ये 2i 2i बोलते भाई तुम लोग घूमने गया तो मैं काहे के लिए पीछे हटूं, अगर तुम लोग 1-1 घूमने जा रहे हो मैं काहे के लिए पीछे हटूं, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम दोनों मिलके जाएंगे घूमने, बराबर, घूमने चले गए तो बचा कौन, बेचारा अकेला माइनस साइन और कोई नहीं है, मतलब 1 रहता है, मतलब मेरा आंसर बचेगा माइनस 1, लेकिन मुझे ए और बी की वैल्यू लिखनी है, इसको ए प्लस बी आई फॉर्म में लिखना है, तो माइनस 1 को मैं क्या लिखूंगा, माइनस 1 को मैं लिखूंगा माइनस 1 प्लस 0 आई, माइनस 1 को लिखूंगा मैं माइनस 1 प्लस 0 आई, इसको कंपेयर किया मैं तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 1 एंड बच्चों
बी की वैल्यू मिल जाएगी 0। देखे बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया। ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू क्या मिलनी बच्चों 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। देखो सर इधर तो चार चार क्वेश्चन आ गया, चार चार कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, कैसे करेंगे बच्चों? इतना याद रखना, ज्यादातर 90% केसेस में, 100% नहीं बोल रहा हूं, 90% केसेस में समथिंग अपॉन समथिंग प्लस या माइनस समथिंग अपॉन समथिंग होता है ना, इन जनरल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही होता है, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये अपॉन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन। ज्यादातर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे जो कोई भी चैप्टर हो, ज्यादातर वैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहां पे भी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। मतलब इसका अगला स्टेप क्या आएगा बच्चों, इसका अगला स्टेप क्या आएगा, देखो ये क्वेश्चन दिखने में खाली खतरनाक है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं अपन है उसके लिए। 3 + 2i (2+5i) + 2i (2+5i) + (this)(this) होगा बराबर, मतलब 3 - 2i (2 - 5i) (2 - 5i) अपॉन में क्या होगा, अपॉन में 2 - 5i (2+5i). ठीक है, जिनको समझा बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं समझा वो लोग देख लो। बच्चों कैसा रहता है, a अपॉन b प्लस c अपॉन d अगर रहता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये और अपॉन में ये इंटू ये। बोलने का मतलब क्या, पहले क्या होगा a इंटू d क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a इंटू d प्लस b इंटू c और डिनोमिनेटर में b इंटू d, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। और वही वही फॉर्मूला वही कंसेप्ट मैं यहां पे अप्लाई किया हूं, पूरा लिख के बताया हूं बच्चों। ठीक है, चलो आगे आगे क्या हो जाएगा, देखो आगे क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं एक एक को, एक एक को ईमानदारी से मल्टीप्लाई करो, एकदम स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं बच्चों। 3 × 2 सर 6 होता है, ध्यान से देखना, 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 5i (15i) + 2i (2 = 4i + 2i (5i) (10i)² समझ गया, 3 × 2 = 6, 3 × 5i (15i), 2i (2 = 4i), 2i (5i) (10i)². इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इधर किए वैसे उधर करना है, करना क्या है बराबर, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × -5i (-15i), -2i (2 = -4i), -2i (-5i) (10i)². ठीक है, डिनोमिनेटर में या तो एक एक मल्टीप्लाई करो अगर ऊपर देख के आपको मजा आया तो, या फिर a - b (a+b) का फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला है तो काय के लिए मल्टीप्लाई करने का, बराबर ना बच्चों। तो a² - b² मतलब ये हो जाएगा 2² - 5i² अगर न्यूमरेटर को देखोगे बच्चों, अगर न्यूमरेटर को देखोगे तो 15i और 4i यहां पॉजिटिव है और यहां निगेटिव है, कैंसल हो जाएगा। कैंसल होने के बाद जो बचा उसको चुपचाप लिखो, कैंसल होने के बाद जो बचा ना बच्चों उसको चुपचाप लिखो, चुपचाप मतलब ये हो जाएगा 6 10i² i² मतलब कितना, -1 i² अगर -1 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा -10, ये देखो बाजू में +6 है, बाजू में +6 है, ये कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, समझ गए समझ गए। और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर कितना 4 -5 का स्क्वायर 25 और i² मतलब -1 तो ये हो जाएगा -1। आई होप सबको समझा इतना, तो 6 - 10 + 6 - 10 6 + 6 = 12 -10 - 20 डिनोमिनेटर में 4 + 25 (4 + 25) = 29 बराबर बच्चों। तो ये हो जाएगा -8/29 अगेन a और b की वैल्यू फाइंड करनी है तो a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी,
ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस 8/29 को ऐसा प्लस 0 आई लिख दिया, इसका मतलब मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 8/29 एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 0। आई होप सबको समझा रहेगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्या कर दिया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में एक एक को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, बस आई स्क्वायर के जगह पर माइनस वन रखा, अपना काम हो गया, अपना काम हो गया, समझ गया। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन कर ले। चलो क्या दिया क्वेश्चन, 1 + i^2 - 3, मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1 + i^2 - 3, 1 + i^2 - 3। अब बोलो के सर माइनस का तो आपने सिखाया है, क्या सिखाया बच्चों, मैंने माइनस का सिखाया है कि उसको भेज दो डिनोमिनेटर में वो हो जाएगा प्लस, उसको भेज दो डिनोमिनेटर में वो हो जाएगा प्लस, ये मैंने सिखाया है। फिर उसके बाद में आपके टीचर्स ने स्कूल सेक्शन में क्या सिखाया है, फॉर्मूला सिखाया है, कौन सा फॉर्मूला सिखाया बच्चों, कौन सा फॉर्मूला सिखाया है, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या सिखाया ए प्लस बी का होल क्यूब बच्चों, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3 a² b + 3 ab² + b³। ए प्लस बी होल क्यूब क्या है बच्चों, ए क्यूब प्लस 3 a² b + 3 ab² + b³, ये ए प्लस बी का होल क्यूब है। अगर a माइनस बी का होल क्यूब रहेगा तो कुछ नहीं, यही फॉर्मूला विथ अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, दैट मीन्स वी विल हैव फॉर्मूला एज ए क्यूब माइनस 3a² b + 3ab² - b³, पहला प्लस फिर माइनस फिर से प्लस फिर माइनस, समझ में आया। अब यही चीज यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला के तौर पे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 / a + b² क्या आएगा, a क्यूब, ध्यान देना वो जो फॉर्मूला है ना पहला हो, वही फॉर्मूला यहां पे पूरा लिख के बता रहा हूं, a क्यूब प्लस 3 a² × b + 3 ab² + b³। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, सबको समझा, पहला वाला फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस 3 a² b + 3 ab² + b³, यही फॉर्मूला। अब हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा है कि i² जो है वो माइनस वन होता है और i³ - i होता है, पढ़ा है, कैसे आया, इसी लेक्चर में भी सीखा और पिछले लेक्चर में भी सीखा है। तो वही चीज अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, वही चीज मैं यहाँ पे अगर अप्लाई करता हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 / 1 का क्यूब मतलब 1 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 × 3 3, तो ये हो जाएगा 3i। 3 × i² मतलब क्या, i² मतलब माइनस वन और i³ मतलब माइनस i, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 / 1 + 3i - 3 - i, 1 + 3i - 3 - i, तो ठीक है, ठीक है। इसको इसको सिंप्लीफाई अगर करना है मुझे तो कैसे करेंगे, देखो दिस इज इक्वल टू 1 / में क्या, 1 - 3 ये हो जाएगा -2 और 3i - i ये हो जाएगा +2i। क्या होएगा बच्चों, 1 / 1 - 3 - 2 हो गया और 3i - i 2i हो गया। अब अपॉन में डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे सिंप्लीफाई होता है, सर आप ही ने तो सिखाया था, क्या सिखाया था बच्चों, क्या सिखाया था बच्चों, कि डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको सॉल्व करने के लिए अपने को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यही चीज मैंने सिखाया। न्यूमरेटर में 1 × ये भाई साहब क्या आ जाएंगे, वो भाई साहब बोलेंगे अपना राज है, अपन खुद आएगा। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर
अगर आप माइनस टू को ए समझते हो और टू आई को बी समझते हो, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस टू माइनस टू आए, माइनस टू आए माइनस का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर माइनस टू का स्क्वायर फोर और आई स्क्वायर मतलब माइनस वन, आई स्क्वायर मतलब माइनस वन। आई होप सबको समझाए। ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस टू आए, माइनस टू आए अपॉन फोर प्लस फोर, फोर प्लस फोर मतलब एट, फोर प्लस फोर मतलब एट। अब क्या करो, कुछ मत करो, क्या करो, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो। अब क्या होगा, माइनस टू अपॉन एट क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय फोर, और ये हो जाएगा माइनस आई अपॉन फोर। ऑन इक्वेटिंग ए की वैल्यू मिल जाएगी माइनस वन बाय फोर एंड उसी के साथ बी की वैल्यू भी मिल जाएगी बच्चों माइनस वन बाय फोर। क्या क्या किया, ए प्लस बी का पहला तो माइनस था उसको नीचे भेज दिया, प्लस हो गया, प्लस के बाद फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद आई स्क्वायर के जगह पे माइनस वन लिखा, आई क्यूब के जगह पे माइनस आई लिखा, सिंप्लीफाई किया, यहां तक पहुंचा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया और सॉल्व करके मेरे को आंसर आ गया। समझ गए बच्चों? आगे बढ़े क्या, बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चल क्या है क्वेश्चन, सर टू प्लस रूट में माइनस थ्री अपॉन में क्या है, फोर प्लस रूट में माइनस थ्री। सर यहां पे तो आय दिख ही नहीं रहा अपने को, यहां पे तो आय दिख नहीं रहा है, आय अगर नहीं दिख रहा है तो दिखाओ, कैसे दिखाओगे? सर हमको पता है, क्या पता है, हमको पता है कि ये जो रूट में माइनस है ना उसी का तो मतलब होता है आय, उसी का मतलब होता है आय, मतलब थ्री रूट के बाहर नहीं आएगा तो रूट थ्री आएगा, लेकिन माइनस के वजह से आय आ जाएगा, समझ गया? और उसी हिसाब से डिनोमिनेटर में फोर प्लस रूट थ्री आय आ जाएगा बच्चों, समझे? अब आ गया अपना कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे सॉल्व होगा बच्चों? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे अपन लोग, बराबर। तो ये हो जाएगा टू प्लस रूट थ्री आई, फोर प्लस रूट थ्री आई इंटू फोर माइनस रूट थ्री आई अपॉन फोर माइनस रूट थ्री आई। क्या किया, डिनोमिनेटर वाले जो बंदा है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमिनेटर में ध्यान देखना रूट वगैरह। ये टू भाई साहब जो है वो जाएंगे दोनों से मिलने कर, बराबर, मिलने के लिए जाएंगे। तो टू और फोर जब मिले दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो टू इंटू फोर एट, फिर ये टू जाएगा माइनस रूट थ्री आई के पास, तो हो जाएगा माइनस टू रूट थ्री आई। फिर ये जो रूट थ्री आई वाले भाई साहब है ये भी जाएंगे इन दोनों के पास, बराबर। तो रूट थ्री आई इंटू फोर, ये हो जाएगा प्लस फोर रूट थ्री आई, प्लस फोर रूट थ्री। अब रूट थ्री आई इंटू माइनस रूट थ्री आई, रूट थ्री आई इंटू माइनस रूट थ्री आई, देखो मल्टीप्लीकेशन में तो माइनस आ जाएगा आगे, बराबर। रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री हो जाएगा आई इंटू आई, आई स्क्वायर आ जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, ठीक है। वो तो हम लोग अपने आंसर में भी करने वाले। क्या आया था बच्चों, क्या आया था, थ्री आई का स्क्वायर, बराबर, हो जाएगा माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री और आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
ये हो जाएगा एट, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, देखो माइनस टू रूट थ्री आए है और प्लस फोर रूट थ्री आए, तो आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा क्या आएगा बच्चों, दोनों का मिला के क्या आ जाएगा, टू रूट थ्री आए, टू रूट थ्री आए। अब जिनको नहीं समझा, जिनको नहीं समझा, कैसा बच्चों, स्कूल में थे ना हम लोग एट स्टैंडर्ड में, ठीक है, आठवीं की बात है, हमको एक मैथ्स के सर थे, थोड़ा हंसा के कॉमेडी तरीके से पढ़ाते थे, उन्होंने क्या बोला था मालूम है, अभी भी मेरे को याद है और हर बैच में मैं ये चीज़ बता देता हूँ, हंसने को आएगा, उन्होंने क्या बोला था मालूम है बच्चों, ये जो रूट थ्री आए है ना, ये जो रूट थ्री आया है ना, इसको गधा मान लो, ठीक है, इसको गधा मान लो, तो आपके पास कितने गधे, आपके पास कितने गधे, मतलब क्वेश्चन क्या होगा, चार गधे में से दो गधे को भेज दो, क्वेश्चन वही है ना, माइनस टू गधा प्लस फोर गधा, ठीक है, उन्होंने यही चीज बताया था जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, फोर गधे में से दो गधे चले गए घूमने, कितने गधे बचे बच्चों, दो गधे बचे, गधा कौन था, गधा कौन था, रूट थ्री आया था क्या, गधा कौन था, रूट थ्री आया था क्या, समझ में आ गया। अब आपको गधे से अगर नहीं पढ़ने का है तो पेन ले लो, उसको माइनस टू पेन प्लस फोर पेन, चार पेन में से दो पेन रख दो साइड में, समझ गया बच्चों, तो क्या हो जाएगा, टू रूट थ्री है, दो पेन बचेगा, गलती होती है ऐसा नहीं, कैसा है आप लोगों का टेंथ में या नाइन्थ में कैसा प्लस माइनस कैसा एलसीएम वगैरह सब समझा है स्कूल में, वो हर बच्चे का अलग अलग लेवल रहता है, ठीक है, इसलिए मेरे को ये एग्जाम्पल एक बताना पड़ा, आगे से कभी भी याद रखना ये तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब एक और चीज़ देख लो, कभी कभी बच्चे रूट थ्री प्लस रूट टू को रूट फाइव लिख देते हैं, इसको रूट फाइव लिख देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, ये अगर गधा है तो ये गधा थोड़ी है, ये तो घोड़ा है, एक गधा और एक घोड़ा ऐड होके एक गधा एक घोड़ा बचेगा, एक गधा और एक गधा होके दो गधा बचेगा, क्या बोला समझा क्या, मतलब ये अलग अलग प्रजाति का प्राणी है, ये अलग प्रजाति का प्राणी है, तो ये दोनों ऐड कभी हो ही नहीं सकते, क्या बोला समझा, मतलब दोनों को ऐड होने के पहले एक जैसा एक प्रजाति का होना पड़ेगा, अगर मैं गधा तो भाई तू भी गधा, तो जाके ऐड होके ये तीन गधे होंगे, क्या बोला समझा, ठीक है बच्चों। आई थिंक जिनको नहीं भी आता होगा रूट वगैरह ऐड करना उनको क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है, गधे का एग्जांपल लेके, एट माइनस टू रूट थ्री आए प्लस फोर रूट थ्री आ जाएगा, प्लस टू रूट थ्री आए, देन माइनस थ्री आई स्क्वायर का मतलब माइनस वन अपॉन में फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, जिसका मतलब होता है माइनस वन, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों, माइनस वन, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, एक मिनट हाँ, ये हो जाएगा बच्चों एट प्लस थ्री बराबर क्या, एट प्लस थ्री, एट प्लस थ्री कितना, इलेवन प्लस टू रूट थ्री आए, टू रूट थ्री आए, ठीक है, अपॉन में सिक्सटीन, माइनस का माइनस प्लस, सिक्सटीन प्लस थ्री नाइनटीन, सिक्सटीन प्लस थ्री नाइनटीन, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इलेवन प्लस टू रूट थ्री आए अपॉन नाइनटीन, वो जो अपॉन वाला नाइनटीन है उसको कर देते हैं हम लोग सेपरेट, ठीक है, सेपरेट कर दिया तो मुझे ए की वैल्यू क्या मिल गई, मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी 11 बाय 19 एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी टू रूट थ्री बाय 19, समझा बच्चों, समझा, तो बच्चों एक काम करो इसके बाद ना ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया रहेगा मुझे लगता है, ये क्वेश्चन करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको ऐड करना है, बाजू में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है और जो भी आएगा उनको फिर से ऐड करना है, पहले इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी रिजल्टेंट आएगा दोनों का उनको फिर से ऐड कर दो, बराबर, चलो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस रूट फाइव प्लस टू इन टू, बच्चों रूट में माइनस फोर, रूट में माइनस फोर मतलब फोर का हो जाएगा टू और माइनस के वजह से आएगा आई, प्लस
वन का एज इट इज माइनस रूट में माइनस नाइन, नाइन का निकला बाहर थ्री, माइनस के वजह से आया आई प्लस। इनको देखो अच्छे से, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा माइनस रूट फाइव प्लस फोर आई प्लस वन माइनस थ्री आई प्लस फोर, टू का स्क्वायर फोर माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, और आई स्क्वायर मतलब माइनस वन, तो माइनस का माइनस प्लस कर दिया, कौन सी बड़ी बात है, समझ गए। चलो अब ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं, बिना आय वालों को ढूंढो, पकड़ो उनको, बिना आय वालों को कौन है, सर सर कौन कौन है पता है, बिना आय वाला सर देखो, ये है ये है ये है और ये भी है, पकड़ लिए सर हम लोगों ने, सुन लिए सर का। चलो नाइन प्लस फोर थर्टीन, थर्टीन प्लस वन फोर्टीन, और माइनस रूट फाइव, फोर्टीन माइनस रूट फाइव, इनका कुछ नहीं हो सकता, कैसे, एक गधा और एक घोड़ा, याद आया, इसीलिए बताया था, बराबर। अब आय वालों को पकड़ो, सर अच्छे से देखो, आय वाले दो ही लोग हैं, आय वाले दो ही लोग हैं, कौन कौन, फोर आय माइनस थ्री आय, फोर आय माइनस थ्री आय क्या हो जाएगा बच्चों, आय हो जाएगा। सर हो गया अपना काम, रियल अलग है इमेजिनरी अलग है, रियल अलग इमेजिनरी अलग, इसका मतलब ए का वैल्यू 14 माइनस रूट फाइव एंड बी का वैल्यू 1। अच्छा पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने लिख लिया था कि नहीं लिखा था, ए और बी लिखा था ना, चल समझ गया बच्चों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। और कितने क्वेश्चन बचे इसमें, 10th बचा है और 11th बचा है, और क्वेश्चन नंबर 5 करना है इसमें, ठीक है। 10th वाला किए क्या, आज ही किए क्या, ऐसी था ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, कहाँ ये 10th नंबर पे इतना सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा है, देख लो क्या है 10th वाला, 2 प्लस 3 आए इंटू 2 माइनस 3 आए, मेरे को लगता है ये तो फटाक से आप लोग भी कर सकते हो, बता दो फटाफट, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9, आई का स्क्वायर माइनस 1, 4 प्लस 9 13, 13 का मतलब 13 प्लस 0 आई, ए का मतलब 13 और बी का मतलब 0 हो गया, सो समझा, बड़ा सिंपल एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन था। 11th के पास चलते हैं बच्चों, 11th के पास क्या है मेरा क्वेश्चन, 4 आई रेस टू 8 माइनस 3 आई रेस टू 9 प्लस 3 अपॉन 3 आई रेस टू 11 माइनस 4 आई रेस टू 10 माइनस 2। ये चीज बताने के पहले बच्चों ना, मैं थोड़ा सा फिर से जो पिछले लेक्चर में बताया था पावर्स ऑफ आई, वहां पे आता हूँ, और आई का जब पावर ज्यादा होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज सिखा देता हूँ, अगर आपको पता है तो 2 मिनट वीडियो भगा सकते हैं, या तो 2 मिनट की बात है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं जा रहा है। जैसे आई रेस टू 17 सॉल्व करने का मन है मुझे, ठीक है, या तो पहले आई रेस टू 24 सॉल्व करने का मन है मुझे, ठीक है। तो कैसा है बच्चों, दो तरीका होता है सॉल्व करने का, एक तरीका कुछ टीचर रेस टू 4 को इंपॉर्टेंस देते हैं और मेरे जैसे लोग स्क्वायर को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आई रेस टू 24 को क्या लिखूंगा मैं, आई स्क्वायर रेस टू 12 लिख सकता हूं ना, कैसे, इवन नंबर है तो आई स्क्वायर के पावर में चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 रेस टू 12, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 का इवन पावर प्लस 1 होता है, ठीक है। अगर आप आई रेस टू 4 को इंपॉर्टेंस देते हो तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, दोनों का आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये आई रेस टू 24 के बारे में मैंने बताया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मेरे पास क्वेश्चन में है आई रेस टू या फिर 1 अपॉन आई रेस टू 18, जिसको मैं आई रेस टू माइनस 18 करके भी क्वेश्चन बोल सकता हूं, इसको कैसे सॉल्व किए थे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इवन नंबर है ना पावर में, इवन नंबर है मतलब उसको आई स्क्वायर के पावर में लिख सकता हूं, तो 2 का पावर में 9, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। आई स्क्वायर का मतलब होता है माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस 1 रेस टू 9,
माइनस वन का ऑड पावर, माइनस वन का ऑड पावर माइनस वन होता है, तो हो जाएगा माइनस वन। ये मेरा तरीका जो आई स्क्वायर को इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। अगर आप आई रेस टू फोर को इंपॉर्टेंस देते हो तो इसको आप लिखोगे फोर, फोर को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं मतलब आई रेस टू 18 में भी फोर का मल्टीपल उसके आसपास में कौन है, आई रेस टू 16 है, और जो बचेगा वो लिखोगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन आई रेस टू 16 मतलब आई रेस टू फोर का रेस टू फोर इंटू आई स्क्वायर, तो हो जाएगा वन अपॉन वन रेस टू फोर इंटू माइनस वन। ये भी घुमा फिरा के क्या दिया बच्चों, माइनस वन ही दिया, ठीक है। मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ आई स्क्वायर का। खाली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या याद करना पड़ता है मालूम है, जो याद नहीं करना पड़ता आप लोगों को पता होता है क्या, कि माइनस वन का इवन पावर प्लस वन होता है और माइनस वन का ऑड पावर माइनस वन होता है, ठीक है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो उसको याद करने की जरूरत क्या, ठीक है ना बच्चों। देखो इसको आप सॉल्व करना है। अच्छा और अभी ये तो इवन वाला मैंने खाली बताया ना, अगर ऑड रहा बच्चों तो वो भी तो अपने को सीखना पड़ेगा। अगर ऑड रहा, ऑड का मतलब जैसे आई रेस टू 23 बोला तो ऑड है ना, ये तो ऑड है, तो पता है क्या करने का, एक आय को भगा देने का बाजू में, एक आय को बोलने का चल तू बाजू में निकल। क्यों बाजू में निकल, क्योंकि अगर तू बाजू में निकल जाता है तो मेरे पास जो भी बचेगा वो इवन बचेगा, अगर वो इवन बचता है तो मुझे पता है उसको मैं आई स्क्वायर के पावर में लिख सकता हूं। अगर आई स्क्वायर के पावर में लिखा तो मेरा काम हो गया, माइनस वन रेस टू 11 आएगा माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस आई। यही कंसेप्ट हम लोग यहां पे भी करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। देखो क्या है यहां पे, ये इवन है ये और ये इवन है, तो ये दोनों तो टेंशन नहीं दे रहे फिलहाल, टेंशन देने वाला चीज ये दोनों है, ऑड वाले टेंशन नहीं दे रहे, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देख लेते हैं। खाली एक स्टेप बढ़ेगा उनके ऐसे, देखो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू फोर आई रेस टू 8 माइनस 3 आई रेस टू 9 में एक आय को बाजू में भेज दो, एक आय को बाजू में भेज दो, बचा कौन, आई रेस टू 8 बचा गया, आई रेस टू 8 बचा गया, आई रेस टू 9 है ना, एक आय बाजू में आ गया, आई रेस टू 8 बचा, फिर क्या बचेगा प्लस 3। उसी तरीके से डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर को ये कौन है अच्छे से दिख नहीं रहा, कौन है ये, 3 है क्या, ये 3 है बराबर ना, क्या आ जाएगा 3, एक आय को अगर बाजू में रख दिया मैं तो हो जाएगा आई रेस टू 10 इंटू आई माइनस 4 आई रेस टू 10 माइनस 2 बराबर। अब जितने भी लोग हैं इवन में आ गए हैं और इवन वाले लोगों को मैं आई स्क्वायर के पावर में लिख सकता हूं, मतलब इसको मैं 4 आई का स्क्वायर रेस टू 4 माइनस 3 आई का स्क्वायर रेस टू 4 इंटू आई प्लस 3 लिख सकता हूं ना, डिनोमिनेटर में 3 आई का स्क्वायर रेस टू 5 इंटू आई माइनस 4 आई का स्क्वायर रेस टू 5 माइनस 2 ऐसा लिख सकता हूं बराबर। आई स्क्वायर के जगह पे रख दो माइनस 1, आई स्क्वायर के जगह पे रख दो माइनस 1, आई स्क्वायर के जगह पे मैंने रख दिया माइनस 1, माइनस 1 के पावर में इवन नंबर है अगर तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 के पावर में ऑड नंबर है तो वो माइनस 1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा बच्चों 4 आई रेस माइनस 1 रेस टू 4 कितना हो जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 ये भी प्लस 1 आएगा इंटू आई प्लस 3 समझ गए। और डिनोमिनेटर में माइनस 1 रेस टू 5 मतलब माइनस, तो ये माइनस 3 आया हो जाएगा, ये भी माइनस आया तो माइनस का माइनस प्लस 4 और बाजू में कौन है माइनस 2 है, समझ गया। ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास
फोर प्लस थ्री सेवन माइनस थ्री आए, फोर प्लस थ्री सेवन माइनस थ्री आए, और यहां पे फोर माइनस टू टू माइनस थ्री आए। अच्छा दोनों जगह पे माइनस थ्री आ गया, बहुत अच्छी बात, इतना समझा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या था मेरे पास, क्या था, सेवन माइनस थ्री आए अपॉन टू माइनस थ्री आए था क्या, देखो बच्चों, देखो सेवन माइनस थ्री आए और अपॉन में क्या था बच्चों, टू माइनस टू आए। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे मैंने ये लिख लिया, सेवन माइनस थ्री आए, टू माइनस थ्री आए, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे फटाफट एकदम, चलो सेवन इंटू टू फोर्टीन, सेवन इंटू थ्री आए ट्वेंटी वन आए, माइनस थ्री आई इंटू टू माइनस सिक्स आए, माइनस नाइन आए का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 14, 21 आए माइनस सिक्स आए, 15 आए, 21 आए माइनस सिक्स आए मतलब 15 आए, यहां हो जाएगा माइनस नाइन इंटू माइनस वन, तो माइनस वन का मतलब होता है मतलब माइनस वन, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और डिनोमिनेटर में टू का स्क्वायर फोर माइनस नाइन, आई स्क्वायर मतलब माइनस वन, तो हो जाएगा प्लस। तो 14 प्लस नाइन, 14 प्लस नाइन मतलब 23, और बाजू में कितना है 15 आए, अपॉन में कितना है 13, सेपरेट कर दिया तो 23 अपॉन 13 प्लस 15 आए अपॉन 13, मुझे ए की वैल्यू क्या मिल गई, मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी 23 बाय 13 एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी 15 आई अपॉन 13, सॉरी 15 आई अपॉन 13 नहीं ना, आई नहीं आएगा ना बच्चों, बी के वैल्यू में आई नहीं आएगा, ठीक है 15 अपॉन 13, समझ गया क्या क्या किए थे, एक बार देख लो फटाफट, एक बार फिर से देख लो, एक बार देख लो क्या किया है, पहले आई रेस टू एट, आई रेस टू नाइन, ये ऑड है, ये ऑड है, इसलिए एक एक आई बाजू में रख दिया, बाकी लोग को आई के पावर में इवन बना दिया, तो आई रेस टू एट को लिखा आई स्क्वायर रेस टू फोर, और आई रेस टू टेन को लिखा आई स्क्वायर रेस टू फाइव, आई स्क्वायर के यहाँ पे माइनस वन लिख दिया, माइनस वन का इवन पावर प्लस वन होता है और माइनस वन का ऑड पावर माइनस वन होता है, वो रखा और उसको सॉल्व किया और मेरा फाइनल आंसर आ गया, ए और बी की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, आ जाते हैं हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, दैट इज शो दैट दिस इज अ रियल नंबर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना, कंसीडर, या फिर ठीक है कंसीडर, क्या माइनस वन प्लस रूट थ्री आई का होल क्यूब। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, आई थिंक आप लोगों ने ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है और ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला भी पढ़ा है। मुझे एक बात बताओ, माइनस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं पढ़ा है। ऐसा नहीं कि हम ये फॉर्मूला बना नहीं सकते विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, लेकिन जरूरत क्या है, जब मेरे पास प्लस और माइनस दोनों का फॉर्मूला है तो मैं फोकट का अपना दिमाग क्यों लगाऊं, मेरा मानना ये है बराबर, अगर चीजें सिंपल तरीके से हो सकती हैं तो बिना मतलब का मैं ए प्लस बी वाला फॉर्मूला क्यों लगाऊं, अगर मेरे क्वेश्चन में माइनस दिख रहा है मुझे। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है मेरा, बोलने का मतलब मेरा ये है कि क्या मैं इसको अगर उल्टा कर दिया तो चलेगा क्या, क्यों नहीं चलेगा, माइनस वन प्लस रूट थ्री आए बोलो चाहे रूट थ्री आए माइनस वन बोलो, बात तो एक ही है ना बच्चों। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब लगेगा बराबर, ए माइनस बी होल क्यूब क्या है फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या है बच्चों, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, अल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये मेरा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला में हम चलते हैं, अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला, ए का वैल्यू है रूट थ्री आए और बी का वैल्यू है वन, याद रखना माइनस बीच में है और माइनस का फॉर्मूला लगा है तो बी का वैल्यू वन है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब रूट थ्री आई का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री ए इंटू बी स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। ठीक है, अब यहां पे रूट थ्री का क्यूब, रूट थ्री का क्यूब मतलब रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ये दोनों लोग मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा थ्री, और ये रूट थ्री बेचारा सिंगल पड़ा है, सिंगल। अब बेचारा है कि अच्छा नसीब है पता नहीं, वो रूट थ्री अकेला पड़ा है बराबर। तो क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, थ्री रूट थ्री, ये हो जाएगा थ्री रूट थ्री आई का क्यूब बराबर, देन माइनस थ्री इंटू रूट थ्री का स्क्वायर, जोड़ी है उसके पास, स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई होगा, तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा, साथ में कौन है आई स्क्वायर है, प्लस थ्री इंटू रूट थ्री आई, वन को तो भाव देने का नहीं, वन का क्यूब वन। ठीक है, आई क्यूब कितना होता है, माइनस आई होता है, आई क्यूब माइनस आई, तो ये हो जाएगा थ्री रूट थ्री इंटू माइनस आई, माइनस थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री नाइन, और आई स्क्वायर मतलब माइनस वन, प्लस थ्री रूट थ्री आई माइनस वन। तो ये हो गया बच्चों, ये हो गया माइनस थ्री रूट थ्री आई, माइनस का माइनस प्लस नाइन, प्लस थ्री रूट थ्री आई माइनस वन बराबर। आई थिंक माइनस थ्री रूट थ्री आए, थ्री रूट थ्री आए चले जाएंगे घूमने बराबर, वो चले गए घूमने, बच गया कौन कौन, नाइन माइनस वन, नाइन माइनस वन कौन है, एट है, रियल नंबर पूछा था, क्या एट एक रियल नंबर है, विच इज अ रियल नंबर, समझे बच्चों। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है बराबर। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, बेसिक आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 का रिवाइज करा दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में जितने भी क्वेश्चन थे हर एक क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 5। अगला वीडियो बहुत ईजी है, ज्यादा क्वेश्चन करने वाले उसमें, लेकिन फटाफट हो जाएगा, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो कैसे पढ़ोगे, कैसे मैथ्स करोगे, देखो अभी स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट चैप्टर है, पूरा एंड तक मैं पढ़ाने वाला हूं। कैसे पढ़ोगे आप लोग, एक नोटबुक और एक पेन लेके ही बैठा करो, अगर आपको लेक्चर बैठना है वीडियो देखना है, जस्ट आप वीडियो देखो, उससे काम नहीं होने, समझेगा सब कुछ, लेकिन एग्जाम में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे वो चीज आपको कैसे पता चलेगा, जब आप खुद से सॉल्व करोगे बराबर। मैं बोल रहा हूं बीच बीच में, मैं बोल रहा हूं, अगर मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आप लोग इजिली कर सकते हो बराबर, मैं बोल रहा हूं ना कि बच्चों वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो वैसा, ठीक है बच्चों, उसको बहुत बेनिफिट होगा। ये नहीं कि कंटिन्यूशन में मूवी देख रहे हैं ना सर, चालू है, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, मूवी खत्म हो जाएगी, एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। नोटबुक लो, पेन लो, उस पर लिख के प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ सर ये सॉल्व करा दिए लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो पॉज करो, वीडियो देखने के बाद भी उस क्वेश्चन को लिखो और आंसर खुद से ट्राई करने का ट्राई करो बच्चों, सॉल्व करने का। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ठीक है, चलो थैंक यू।